दर्शकों, यदि आप भी अपने बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय जमुई में पढ़ाना चाहते हैं तो उसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त 2023 है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूँ जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, जिस तरह से शिक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है, ऐसे में पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजना, जैसे कि आप जानते हैं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार का विद्यालय, यहाँ बच्चों की जो पढ़ाई होती है वो सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हों, 6 साल से 12वीं कक्षा तक की यहाँ पढ़ाई होती है, क्लास 6 से लेकर 12वीं तक। जैसे कि आप जानते हैं सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री हैं। हमारे साथ जवाहर नवोदय विद्यालय के कर्मचारी हमारे साथ जुड़े गए, जो स्नातकोत्तर वहाँ शिक्षक हैं। क्या प्रक्रिया, मैं इनसे जानना चाहूँगा। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सतीश भारती है। सतीश जी, क्या है एडमिशन की प्रक्रिया आपके यहाँ? प्रक्रिया है, ये भारत सरकार की योजना के तहत नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए बच्चे का तृतीय, चतुर्थ और पंचम तीन वर्गों में लगातार संख्या में वो पढ़ा होना चाहिए, सत्र में लगातार सत्र में पढ़ा होना चाहिए। और पांचवी कक्षा में जो अभी अध्ययनरत छात्र हैं वही इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं परीक्षा में बैठने के लिए। अंतिम तारीख क्या है? अंतिम तारीख अभी बढ़ा दी गई है और 31/8 है, 31 छुट्टी का दिन है, इसलिए मैं लोगों को 30 ही बता रहा हूँ कि 30 ही माने, क्योंकि 31 तारीख रक्षाबंधन की छुट्टी है, वो आपको किसी की रहेगी। इसलिए कल तक जो है जो भी विद्यार्थी इसमें नामांकन हेतु इच्छुक हैं वो निश्चित रूप से कल तक रजिस्ट्रेशन करवाने हैं। अच्छा, किस तरह की, जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कहने के सरकार शिक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए चुन रही है, जैसा कि 75% ग्रामीण बच्चों को लिया जाना है, तो क्या कुछ प्रक्रिया करी? जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना भी इसी सोच के तहत हुई थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेधा शक्ति है उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे करके विकसित किया जा सके, उनकी गुणवत्ता में निखार कर राष्ट्र के निर्माण हेतु उन्हें लगाया जा सके। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के लिए 75% सीट भारत सरकार ने आरक्षित की है और 6 सीटें वो शहरी क्षेत्र में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए। उम्र सीमा क्या है सर? उम्र सीमा अभी जो है 1/5/2012 से 31/7/2014 है, दोनों तिथियां सम्मिलित हैं, मतलब कि जो 1/5/2012 या 31/7/2014 की भी जो जिनकी जन्मतिथि है वो भी छात्र पात्र हैं इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। ये सर, फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है, कैसे लोग फॉर्म भरेंगे? फॉर्म भरने के लिए अभी तो निःशुल्क हम बांट भी रहे हैं, हर विद्यालय में जा कर के हमारे शिक्षक दे रहे हैं, बताया जा रहा है कैसे करना है, लेकिन भरने के लिए छात्रों के द्वारा केवल एक फोटोग्राफ लगेगा, उस पर चिपका देना है। उस फॉर्म को अगर 1, 2, 10, 20 भरना चाहें तो उसी की फोटोकॉपी निकाल करके जितने छात्र चाहें 100-200 भी भर सकते हैं। छात्रों का या उनके अभिभावकों का मात्र एक फोटोग्राफ लगेगा, उनका हस्ताक्षर होगा और इसे ऑनलाइन भरा जाना है। और ऑनलाइन भरने के लिए मोबाइल से कर सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप से कर सकते हैं, कंप्यूटर सेंटर से करवा सकते हैं, या जो छात्र अगर हम इन सारी सुविधाओं से वंचित है वो सीधा फॉर्म लेकर के नवोदय विद्यालय में आ जाए, वहाँ से मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दूँगा।